होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गोपी अपने बैंक में फोन करता है तो उसका फोन लवली लॉन्ड्री में लग जाता है, जिससे वो परेशान हो जाता है। लेकिन सैम के कहने पर वो दोबारा कोशिश करता है, पर उसे बार बार रॉन्ग नंबर ही लगता है। सैम गोपी की मदद करने के लिए जैसे ही फोन करने को बढ़ता है, तभी फोन की घंटी बजने लगती है। सैम फोन उठाता है, लेकिन सामने वाले ने गलत नंबर डायल किया था। सैम के रॉन्ग नंबर कहने के बावजूद वो तमिल भाषा में बोलता चला जाता है। तमिल भाषा में बोलते बोलते वो कुछ ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करता है जैसे मर्डर, बॉम्बे पुणे हाईवे, 80 किलोमीटर ब्रिज। सैम को शक होता है कि कोई किसी का खून करने वाला है और ये मर्डर होने वाला है बॉम्बे पुणे हाईवे पर कार नंबर MH015947 में बैठे हुए आदमी का। सैम अपने राइटिंग पैड पर सारे पॉइंट्स नोट कर लेता है और गोपी से कहता है कि नीचे से सुब्रमण्यम साहब को बुला लाओ, लेकिन गोपी वहां जाने से इनकार करता है क्योंकि सुब्रमण्यम साहब की बेटी को वो नहीं झेल सकता। लेकिन सैम गोपी को भेजने में कामयाब हो जाता है। गोपी के जाते ही सैम टेलीफोन एक्सचेंज में फोन करता है, जहां से उसे सिर्फ इतना पता चलता है कि रॉन्ग नंबर दोबारा भी आ सकता है। सुब्रमण्यम साहब के घर गोपी उनकी बेटी से तंग आकर वहां से जाने लगता है कि वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है। गोपी उसे समझाने की कोशिश करता है, तभी सुब्रमण्यम साहब वहां जाते हैं और गोपी को काफी खरी खोटी सुनाते हैं। गोपी रुआंसा सा होकर जैसे ही वहां से जाने लगता है, सैम वहां आकर सुब्रमण्यम साहब से तमिल के कुछ शब्दों की जानकारी लेता है। उसे यकीन हो जाता है कि आज की रात बंबई पुणे हाईवे पर पुणे से 80 किलोमीटर पहले एक आदमी का खून होने वाला है, यही टेलीफोन पर कहा जा रहा था। वो वहां से RTO ऑफिस में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि कार नंबर MH015947 एक ज्वेलर्स सेठ खूबचंद के नाम रजिस्टर्ड है। सैम और गोपी उस जौहरी की दुकान में जाते हैं। जौहरी की दुकान में सैम की हंसी उड़ाई जाती है, तभी वहां एक फोन आता है। यह फोन सेठ खूबचंद का है। सैम सेठ खूबचंद को सारी बातें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक फोन कट जाता है। सैम वहां से सेठ खूबचंद का पता लेकर उसके घर जाता है। सेठ खूबचंद सैम को बताते हैं कि उनका एक आदमी अशोक पुणे की दुकान संभालता है और आज अशोक 15 लाख रुपए लेकर पुणे के लिए निकल चुका है। सेठ खूबचंद को परेशानी की हालत में छोड़कर सैम और गोपी तेजी से वहां से निकल जाते हैं और भारी ट्रैफिक को पार कर अशोक को बचाने के लिए उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सैम रास्ते में इंस्पेक्टर सावंत को फोन करता है कि वो किसी तरह आगे जाती कार MH015947 को रोक ले। तेजी से जाती वो कार सुनसान पुल पर रोक ली जाती है। अचानक एक हाथ आकर अशोक को गोली मार देता है, वो मर जाता है। कुछ ही देर बाद सैम और गोपी वहां पहुंचते हैं और उनके हाथ लगती है अशोक की लाश। अब आगे। We are late, गोपी, we are too late. बैग देख रुपयों का। बैग तो नहीं है? बैग नहीं है? ये क्या? बैरियर? हाँ? ड्राइवर कहां गया? ड्राइवर? ड्राइवर? गोपी इधर। हेलो, उठो भैया, उठो। तुम ड्राइवर हो इस गाड़ी के? आराम से। हुआ क्या? सब मैं गाड़ी लेके आ रहा था,
मैंने सामने ड्रम देखे तो मैंने गाड़ी रोक दी। फिर मैं जैसे ही ड्रम हटाने के लिए उतरने वाला था तो दो लोग स्कूटर से आए और उन्होंने साहब की गोली मार दी। मैं गाड़ी छोड़ के भागा और उन्होंने मुझ पर भी गोली चलाई। मैं यहाँ पे आके छुप गया। फिर क्या हुआ? वो लोग बैग लेके भाग गए। किधर? साहब इधर भाग गए और मैं बेहोश हो गया। मुझे कुछ याद नहीं। ओ सैम, सैम तुम सही थे, मैं गलत था। उसका अफसोस नहीं गोपी, अफसोस ये है कि हम उस बेचारे को बचा नहीं सके और यह हादसा हो गया। लेकिन हमें उस कातिल को या कातिलों को ढूंढना होगा। सॉरी सैम साहब, मैं गाड़ी को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। नॉट योर फॉल्ट सावंत, लेकिन एक आदमी का खून हो गया और ये ड्राइवर बेचारा जख्मी हो गया। बर्बाद हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया डिसिल्वा साहब। मेरे तो 15 लाख रुपए लुट गए, बर्बाद हो गया मैं। अरे आ भाई मोहन, भाई मोहन तेरी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ सेठ जी। ठीक हो ना जी? जाओ तुम घर जाकर आराम करो। ठीक है सेठ जी। बर्बाद हो गया डिसिल्वा साहब, मेरे तो 15 लाख रुपए चले गए। अब आप किसी भी तरह से उस चोर को पकड़ लीजिए। चोर? सेठ जी खूनी? खूनी? हाँ हाँ खूनी, हमारे बेचारे अशोक का खूनी। सेठ जी अगर एक बार वो रॉन्ग नंबर दोबारा से आ जाए ना तो कातिल तो बस यूं पकड़ा जाएगा। इसके लिए सुब्रमण्यम बैठे हैं उस रॉन्ग नंबर के इंतजार में। एग्जैक्टली exactly. अच्छा सेठ जी मुझे ये बताइए जी कि इस महरूम अशोक का कोई रिश्तेदार है? रिश्तेदार? आप अशोक के रिश्तेदारों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे ही पूछ रहा हूं। लेकिन अशोक का खून तो पैसों की वजह से हुआ है ना, कि आपको शक है और कोई कारण? अशोक की लाश पर से हमें ये उसका बटुआ बरामद हुआ जिसमें और चीजों के अलावा एक किसी निर्मला का नंबर और एड्रेस है। आप इसे जानते हैं? जी नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। दरअसल बात यह है ना डिसिल्वा साहब कि अशोक के फैमिली मेंबर को मिलने का कोई मौका ही नहीं मिला। लेकिन हमें उससे मिलना है। गोपी कम। नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वो लोग तो वैसे ही आए थे, कोई 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 बात नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। पापा हमें प्लीज बताइए खून किसका हुआ है? पापा किसका हुआ पापा? अरे खून खून, अरे किसी का नहीं, गंगा जमुना सरस्वती मेरी माँ। अरे गंगा जमुना सरस्वती को छोड़ो, मुझसे बात करो, बताते हो या नहीं? बताता हूँ मैं, बताता हूँ। निर्मला जी, अशोक नाम के एक आदमी का खून हो गया, उसकी लाश पर हमें उसका ये बटुआ मिला और इस बटुए में उसकी ये तस्वीर, आप इसे पहचानती हैं? जी नहीं। इसके पीछे लिखा निर्मला। निर्मला एक बहुत ही कॉमन सा नाम है। निर्मला पाटकर विला प्रभात रोड, ये तो आप ही का पता है, आप इसे पहचानती हैं? कौन है ये? ये मेरे भाई की तस्वीर है। तो आप ये बात छुपा कर रही हैं? आपको अपने भाई की मौत का कोई दुख नहीं? कोई ऐसी बहन हो सकती है जिसे अपने भाई के मरने का दुख ना हो? देखिए आप मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाह रहे हैं? हमारे संबंध बहुत ही खराब थे, हम दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते थे। इसका मतलब उसका कैरेक्टर बहुत खराब था? ये आपका बेटा है? जी हाँ। बहुत प्यारा है बेटा। तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? टूर पे गए हैं। आई एम सो सॉरी। कब तक लौटेंगे? कोई एक हफ्ते बाद। उनका नाम क्या है? मिस्टर हरिप्रसाद। सैम, ये खूबचंद, खूबचंद, खूबचंद की तस्वीर है ना? जी हाँ। ये आपके घर में कैसे? दरअसल मेरा भाई उनकी पूजा करता था, क्योंकि वो जो भी कुछ था इनकी बदौलत था। लेकिन ये तो आपके भाई का घर नहीं? जी दरअसल बात यूं हुई कि हो सकता भाई ने आपको यह तस्वीर दे दी हो। जी हाँ। गोपी इसे इज्जत से वापस रख दो। हाँ श्योर, सॉरी मैडम। निर्मला जी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ
कि हम आपके भाई के कातिल को ढूंढ के रहेंगे। गुड बाय मैडम। ब्रिज के नीचे चलते हैं। और सावंत, यस सर, गाड़ी के निशान तो मिल रहे हैं, लेकिन वो स्कूटर जिस पर कातिल आए थे उसके निशान जरा ढूंढो। राइट सर, चलो। ये जहां जहां मिट्टी है ना, वहां वहां देखो, वहीं होंगे निशान। वहां गोली चलाने के बाद कातिल ने पिस्तौल यूं जंगल में फेंक दी होगी। देखें गोलियां कितनी चली हैं। तीन चली हैं और तीन बाकी हैं। दो मैनेजर पर, एक ड्राइवर पर। और ये लाल रंग कैसा है? जमा हुआ खून है। इसका मतलब है कि ये गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज पर चली होगी। फिर भी ड्राइवर बच गया, गोली चलाई, पिस्तौल फेंक दी। गोपी, ये कुछ कच्चे आदमियों का काम लगता है। नहीं नहीं सैम, लेकिन वो तो प्रोफेशनल किलर्स है, सुपारी वाले। हाँ, सुपारी ली है। रॉन्ग नंबर। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना हो ना, के तुम मेरी जिंदगी हो।
अप्पा अप्पा फोन अप्पा फोन 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 हाँ हेलो 8321947 रॉन्ग नंबर राइट उंग वेले मुंडी आज सेकंड इंस्टॉलमेंट पुरतो वारंग तिरंजी पोचा यंगे यंगे उनके तेरिया दा इतनी टाइम उनको सल्ले रखने होटल सदानंद ले यप्पो 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 सांधिरम 6 o'clock ओके ओके கிடைச்சது நம்பர் கிடைச்சது நம்பர் மில் கியா மில் கியா அரே சாம் சாஹிப் கன்கிராஜுலேஷன் கன்கிராஜுலேஷன்ஸ் யூ கமால் ஹோ கயா அண்ட் கன்கிராஜுலேஷன்ஸ் மிஸ் தோ பிரில்லியம் கோபே கோபே கன்கிராஜுலேஷன்ஸ் ஜி டை கன்கிராஜுலேஷன்ஸ் அப்பா டெலிபோன் करते हैं गोपी सुब्रमण्यम साहब आपने कमाल कर दिया कातिल का फोन नंबर पता कर लिया अब हमें बताइएगा बॉस ने कहा क्या उसने बोला है मर्डर कर दिया वेरी गुड अच्छा? बाकी पैसे के लिए सदानंद होटल में शाम को 6 बजे आने को बोला बाकी 1 लाख रुपए देने के लिए ओह वेरी गुड अच्छा अब हमारा थोड़ा सा काम और कर दीजिए क्या है कातिल को ये फोन पे कहिए इस टेलीफोन नंबर पर कहिए अपने भाषा में कि आज शाम को सदानंद होटल में 6 बजे वो आ जाए पैसा लेने के लिए इससे क्या है कि हमें कातिल और उसके बॉस दोनों का पता लग जाएगा और हम दोनों को पकड़ लेंगे वेरी गुड प्लीज मैं करेगा जरूर करेगा मैं अब हमें पता लग जाएगा कि इस कत्ल के पीछे कौन है और इस कत्ल का राज क्या है साहब साहब वो दोनों जरूर इधर आएगा मैं टेलीफोन में बोल दिया 6 बजे ये रेस्टोरेंट में आने के लिए लेकिन साहब साहब ये गोली के लिए नहीं मारना का है हमको बहुत डर लगता है सुब्रमण्यम साहब आपको पता भी नहीं चलेगा आप चाय पीते रहेंगे और कातिल पकड़ा जाएगा बड़े प्यार से काम होगा इत्मीनान से काम होगा ओके आ गया इतनी लेट आ ची इधर वांग का 1 लाख रुपया रख दे इतने 1 लाख रुपया उनको स्पर्शनी वेले थे दे आप नान दिए रखने उनको इल्ले इल्ले ना पुलास इल्ले ये ना आ ची है उनके इल्ले इल्ले ये ना या 1 लाख रुपया कुनान दिए रखने इधर वांग को या इन्ना की तरिया दे इन्ना के वन ना पुलास इल्ले ये ना आ ची उनके ना कुनान दिए रखने 1 लाख रुपया उनके इन्ना की तरिया दे ये ना या 1 लाख रुपया रे उनको रॉन्ग नंबर सर पैक कर रहा है व्हाट्सअप अरे आपने बोला था ना अभी गोली नहीं चलाएगा बोला था ना अभी तक कहां चली गोपी 1 लाख रुपए खबरदार मैंने कोई खून नहीं किया मैं यही बात बोला था इनको मैंने कोई खून नहीं किया क्या नाम है तुम्हारा माय नेम इज केसी नायडू तमिल में बोलिए यंग पेर केसी नायडू गोपी यही आवाज थी जिसने मुझे फोन किया था मैंने जब कहा रॉन्ग नंबर फिर भी इसने मैसेज मुझे दिया कि जाके बॉम्बे पुणे रोड पर खून कर दूं मैसेज इस कातिल के लिए था पहुंच गया मुझे फिर भी खून हो गया कैसे हो गया ये खून किसने किया क्यों किया ये पैसा तुम्हें किसने दिया बोल नायडू वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा कौन दरिंदा है तेरे पीछे बताता हूँ Thank you.